अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत होंगे। तो देख सकते हैं महिंद्रा बोलेरो पिकअप गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है। कस्टमर का कंप्लेन है कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो उसमें देखेंगे प्रॉब्लम क्या है। तो सबसे पहले चाबी ऑन करेंगे, ऑन किया और डिस्प्ले में देख सकते हैं बॉक्स लाइट और बैटरी का लाइट, आयल बत्ती और इंजन लाइट जल के रह रहा है। ठीक है, तो इंजन लाइट क्यों जल के रह रहा है वो देखेंगे। सबसे पहले सेल्फ मार के देखेंगे, सेल्फ लग रह गया तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है और किलोमीटर डायरेक्ट ऊपर उठ रहा है। तो इसका सबसे पहले अपना चेक करेंगे नोजल के ऊपर सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नोजल के ऊपर जब सप्लाई आएगा तो फिर अपन काम करेंगे आगे और कुछ। पहले इस पर वोल्टेज चेक कर लेते हैं, वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। तो तीन नंबर का कपलर निकालते, तीन नंबर कोई भी कपलर निकाल के देख सकते वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो एक छोटा सा ये बल्ब ले लेते और ये लगा के देखेंगे इस पर वोल्टेज फेंक रहा है कि नहीं फेंक रहा है। बने रहें एंड तक। चैनल पर अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। भाई स्टार्ट करो गाड़ी को ज़रा, चाबी बंद करके फिर सेल्फ मारना। तो देखते इसके ऊपर पल्स आ रहा है कि नहीं। बस इस पर पल्स नहीं आ रहा है। तो पल्स नहीं आ रहा तो सबसे पहले सीधा फ्लाइबल सेंसर चेक करेंगे, क्योंकि डिस्प्ले में चेक लाइट आ रहा है और मोटर चल रहा है कि नहीं चल रहा वो भी देख लेते हैं। चाबी बंद करके वापस चाबी ऑन करो। तो मोटर भी चलने की आवाज़ आ रही है और टैंक के पास भी आवाज़ सुनाने की कोशिश करूँगा। सेल्फ मत मारो, चाबी बंद करके ऑन करो। ऑन किए तो इसका मोटर भी चल नहीं रहा है। तो सबसे पहले चेक लाइट चेक कर अपना डीजल का देख लेते हैं, डीजल आ रहा है कि नहीं मोटर में। तो ये खोल के देखते हैं फ्यूल मोटर का, इसमें डीजल फेंक रहा है कि नहीं। हाँ डीजल तो फर्स्ट क्लास आ रहा है, डीजल का कोई मसला नहीं है। तो उस पर इंजेक्टर पे पल्स नहीं आ रहा है, तो इसका सीधा फ्लाइबल सेंसर चेक करेंगे। इसका नीचे में ब्लाउजिंग के ऊपर देता है, देख लेते हैं। तो यहाँ पे इस तरफ में एक सॉकेट आता है, इस सॉकेट को निकालेंगे और फ्लाइबल सेंसर खोल लेते हैं और फिर देखते क्या है प्रॉब्लम। तो मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, यहाँ पे वायर कुछ कटा हुआ दिख रहा है मुझे, ये देख सकते हैं यहाँ से ये फ्लाइबल सेंसर का वायर है और ये यहाँ कटा हुआ लग रहा है मुझे। तो फटाफट खोल के लेंगे, पांच का लेंकी पाना लगेगा, खोल के लेते हैं फटाफट। तो देख सकते हैं इसको मैंने पांच के लेंकी से खोल के ढीला कर लिया है और निकाल लेते हैं, देखते क्या रिजल्ट दे रहा है इसके अंदर। ये बोल्ट आ गया, दूसरा ये आ गया, इसमें देखेंगे। यहाँ पे चूहे महाराज जी का कमाल है जो काट के अलग कर दिया है। ठीक है, इसको देखेंगे अपन, ज्वाइन करके लेंगे क्योंकि सेंसर महंगा आता है। ठीक है, बने रहे एंड तक, इसको ही बना के लेंगे। तो देख सकते हैं इसमें ये वायर ऐसा कटा है, तो इसको अपन निकाल के लेते हैं। इसमें सिर्फ दो ही वायर जो है अपने काम ज़्यादा करता है, एक काला वाला और एक पीला वाला। इसके अंदर देख सकते हैं दो वायर है। ठीक है, इसमें का एक वायर कट चुका है, बाकी यही दो वायर अपने काम का है। बाकी जो बीच का जो ये साइड का है ये नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा अपने को, पर ये मेन है ये और ये। इसको ज्वाइन करके लेते हैं फटाफट। तो देख सकते हैं अपना ज्वाइन करके हो गया है, ये वायर कटा था। तो अब इसको फिटिंग करके लेंगे फटाफट, फिर देखते हैं क्या रिजल्ट दे रहा है। तो देख सकते हैं अपना फिटिंग करके हो गया, अभी वायर लगाएंगे और फटक से फिर देखते क्या है रिजल्ट। तो अभी मेरा फिटिंग करके हो चुका, अभी देखते हैं डिस्प्ले के पास क्या रिजल्ट दे रहा है अपने को। तो चाबी ऑन करेंगे, ऑन किया देख सकते हैं डिस्प्ले में लाइट आया, इंजन लाइट और आगे चला गया। ठीक है, और अभी देखते हैं अपना पल्स आ रहा है कि नहीं इंजेक्टर के ऊपर, सेल्फ मार के चेक करेंगे। मैंने छोटा सा एक बल्ब ले लिया और इसको लगा के देखते, स्टार्टर मारेंगे फिर उसके बाद देखेंगे। भाई ज़रा सेल्फ मारोगे तो
इस पे पल्स आना चाहिए, ऐसा हल्का सा बल्ब जलेगा। देख सकते हैं ये अभी मेरा कपलर निकला हुआ था और ये बल्ब मैंने सही से लगाया, इसके लिए अपनी गाड़ी स्टार्ट हुई है, ठीक है। और गाड़ी भी स्टार्ट हो गई, इसको देखो मेरा जो कि नोजल का वायर निकला था फिर भी गाड़ी स्टार्ट हुआ। क्यों हुआ कि इसको पता चल रहा था कि मेरा नोजल में वायर लगा हुआ है, इसके लिए स्टार्ट हुआ। मारो सेल, वापस चाबी बंद करके मारना। और ये अगर कपलर लगा देंगे तो स्टार्ट होना ही है, पर ऐसे इसको मालूम चला कि मेरा लगा हुआ है कपलर, ठीक है। तो ये देख सकते बल्ब भी जल रहा है और नोजल का वायर भी निकला हुआ है, ठीक है। ये बल्ब देख सकते हैं ऐसा चल रहा है और एक नोजल इसका काम नहीं कर रहा क्योंकि कपलर निकला हुआ, पर गाड़ी को लग रहा है कि नोजल का वायर लगा हुआ है, ठीक है। अब ये वायर बल्ब निकालूंगा तो गाड़ी बंद हो जाएगी, ठीक है। अब इसको लगाएंगे और चाबी बंद करके और गाड़ी को स्टार्ट करना है। रुक जाओ एक सेकंड, मैं आ रहा हूँ। पहले इसको लगा के लेते हैं, तो अभी सब हो गया अपना रेडी। अब देखते हैं क्या रिजल्ट दे रहा है गाड़ी के अंदर। तो सबसे पहले चाबी को बंद करेंगे। कभी भी कोई भी VS4 हो या कोई भी गाड़ी हो, अगर गाड़ी बंद हो गई है तो चाबी को बंद करना है, वापस से ऑन करना है, तो फिर से नया सिस्टम चालू हो जाता है। ऑन किए डिस्प्ले में देख सकते हैं लाइट आके इंजन लाइट चला गया। पहले इंजन लाइट जल के रह रहा था, अब किलोमीटर भी इसका जो था ऑटोमेटिक ऊपर भाग के जा रहा था। अब मारेंगे सर, गाड़ी भी स्टार्ट हो गई और अपना कोई लाइट बोले तो बॉक्स लाइट से बाहर है। और किलोमीटर जो सेंसर का किलोमीटर का जो कांटा ऊपर नीचे भाग रहा था वो भी बंद हो चुका है। थोड़ा रेस करेंगे गाड़ी को और ये बॉक्स लाइट को भी बंद करेंगे अपन। वापस बंद चाबी किया, वापस ऑन किया, वापस मारेंगे सेल, गाड़ी स्टार्ट किया, वापस बॉक्स लाइट आ चुका है, वापस बंद करते हैं, वापस मारेंगे सेल, ऐसा 6-7 बार करना है अपने को और फिर जो है अपना चेक लाइट चला जाएगा। वापस निकाला चाबी, वापस मारते हैं सेल, स्टार्ट हो गई और चेक लाइट अपना चला गया। देख सकते हैं डिस्प्ले में भी कोई चेक लाइट नहीं दिखा रहा है, ठीक है। वापस बंद करते हैं, वापस आप लोगों को सही से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, क्योंकि धूप है इसके कारण जो है बहुत प्रॉब्लम हो रहा है दिखाने में। ऑन किया, वापस मार रहा हूं सर, गाड़ी स्टार्ट हो गई और अपना चेक लाइट भी चला गया, कोई भी गाड़ी में प्रॉब्लम नहीं दिखा रहा डिस्प्ले के अंदर। गाड़ी रेस भी फर्स्ट क्लास हो रही है। तो चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।